अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की रूटीन ये है कि आज हम जा रहे हैं घर के लिए सीसीटीवी कैमरा हमें परचेज करना था, जो कि हमें माउंट करना पड़ेगा अपनी घर की सिक्योरिटी के लिए। तो उसके लिए प्लान ये है कि पहले हम जाएंगे गुजरांवाला सिटी में, या वहाँ जाने से पहले हमारे यहाँ पर रावाली में एक है MG कंप्यूटर के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहाँ से देखेंगे। अगर वहाँ पर कम्फर्टेबल रेट हमें मिले तो हम वहीं से परचेज कर लेंगे सीसीटीवी का पूरा सेटअप। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं MG कंप्यूटर वाले के पास। सोचा आप लोगों को शेयर करता चलूँ यहाँ के रेट्स, अगर यहाँ से मुनासिब मिले मुझे तो हम पूरा सेटअप यहीं से परचेज कर लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जेनी मर्जी बाबू, हाँ मिलेंगे ठीक है। और ये इसका पावर अडाप्टर जो इसको चाहिए साथ में लेके लिए, और बाकी 1.7 MM ये 2 MP में ही आता है। ये इसका कैमरा क्योंकि हमें अनबॉक्स कर दिया हुआ है, साथ में पावर केबल और एक BNC केबल, और ये 360 है। इसको आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, इसको स्क्रूज के साथ पीछे आगे, और ये अगर घूमवा लेते हैं कुछ भी एंगल आप सेट कर लाओ इसका। ये दावा ब्रांड है, दावा क्योंकि इस टाइम बेस्ट आ रहा है। और ये वाला जो कैमरा ये है डूम कैमरा इसका, हाँ ये रहा इसका, ये देखिए 2 MP 2.8 MM। दरअसल इनका ना ये जो होता है ना 2.8 MM, इनसे पता चल जाता है ये कौन सा MP का कैमरा। ये जो इसका MM है ना, इसका मतलब इसके लेंस का होता है। ये बाकी कैमरा इतने मिलीमीटर का नहीं होता, ये सिर्फ उसके लेंस होते हैं। और ये ड्रोन कैमरा, ये दरअसल इंडोर के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये आउटडोर कैमराज कम यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें दरअसल ना वो थोड़ा फॉग का इशू होता है। और ये आप अपनी मर्जी के साथ साइड पे आगे पीछे ये भी मूव हो जाते हैं, ये इधर से इसका खुल भी जाता है, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल पैक है इसलिए बोला नहीं। तो बाकी ये वाला कैमरा इनडोर के लिए बेस्ट रहता है क्योंकि इनडोर में जो कैमरा लगा होगा वो कुछ नहीं होता, जैसे कि ये ब्लू कैमरा ना ये बुलेट कैमरा। अगर ये घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर लगा होगा तो काफी अच्छी लगता है, ये कैमरा साइज में काफी बड़ा है। अगर ये घर के अंदर लगा होगा तो ये काफी बुरा सा लगता है, इसलिए ज्यादातर लोग हम ना जो है ना इंडोर के लिए हम ये वाले यूज़ करते हैं जो घर के अंदर वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी ये है जो कैमरा हम घर के बाहर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट रहता है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी होता है। ये आउटडोर कैमरे हैं, उनको बारिश में धुंध में कुछ भी करें उनका कोई इशू नहीं होगा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर है। मैं DVR जो चूज़ किया वो भी दावा के लिए, जो कि एक सीन है जिसके अंदर हम ये एक माउस है इसके साथ, जो कि इसकी पैकिंग के अंदर ही आ रहा है। उसके अलावा ये डाटा केबल है उसकी, हाँ ड्राइव के लिए, और साथ में ये एक पावर अडाप्टर जो कि DVR। बाकी ये हमारा DVR है, एक छोटा DVR साइज में, जितनी ज़्यादा पोर्ट होगी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। DVR में हमें 8 पोर्ट्स मिल रही हैं, ये 2 ऑडियो केबल ऑडियो के लिए हैं, एक VGA और एक HDMI, ये 2 USB 2.0 की,
और साथ में एक नेट का कनेक्टर। बाकी ये दावा कटूंगा कि बिजल का डीवीआर है जो कि बेस्ट है और ये एक साल के वारंटी में ही होता है। और इसके अलावा हमारे पास तो हमें मेन एक्सेसरीज के लिए वो है हर कैमरे के लिए एक जो है ये डीसी पिन चाहिए और साथ में थोड़ी लेंस की जो कि ये है, ये दोनों साइडों पर कैमरे की लगती है उसको अटैच कर देंगे। बिल बनाए कैमरे का रेट 18,500 है, बाकी आपका रेट ठीक था, डीवीआर का ठीक था, यही था मैंने भी बात किया अभी तक पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे ने इसी पे फोकस नहीं किया, आपको दिखाने लगा इस चीज़ का फोकस नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया, हमने किया इस चीज़ पे। ये देखें जरा ये तार पकड़े, इसके अंदर जो ये है ना ये असल, हमने कागज नहीं यूज़ किया, प्लास्टिक नहीं यूज़ किया। ये आप चल यार इधर से पकड़े, ठहरे, एक बड़ी ही अहम आइटम है जो मैं आपको बताने लगा। अब ये इसे इधर रखें और ये देखें दिस इज वर्किंग। इसका मतलब हुआ कि तार आपकी काट भी देना था इसके सर पे, यहाँ से देखिए डाटा जो है इसकी, इसकी जो अर्थ है ना ग्राउंड, ये वर्किंग कर रही है, ठीक है। यानी ये जो सब लोग ये यूज नहीं करते, ये प्लास्टर करते हैं, हमने इसका ओरिजिनल जो है ना फोली के एल्युमिनियम यूज करवाया, यहाँ पे एल्युमिनियम का ही है ये। इसको आप मीटर से लगाएंगे, यहाँ से मीटर से लगाएंगे, देखिए काम कर रहा है वर्किंग। इस पे कम से कम 400 रुपए एक रोल पे खर्चा आता है इस चीज को डलवाने के। फिर जो ये जो हम केबल यूज़ करते हैं ना, ये 48 का जाल यूज़ करते हैं, बाकी सारे 30 यूज़ करते हैं, 48। सेकंड जो ये RJ59 है ना, इसके ऊपर सब आम क्रिस्टल क्रोम नहीं करते, ये करते हैं हम, इसके ऊपर क्रिस्टल करते हैं क्योंकि इसका हर डिस्क के साथ स्क्रीनिंग होनी होती है। ये देखिए क्रिस्टल आपको नज़र आ रही है, इससे आपका इसका इससे हम्स नहीं आते। ये देखिए मैंने CCTV लगे और इसमें कोई एक डॉट नहीं है, कोई नुक्ता नहीं आ रहा। बैठा जो सोना लग रहा है जी भाई साहब ने, हमने हार्ड ड्राइव ली है 500 GB की है और ये उसकी अब हेल्थ चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए अटैच किया पीसी के साथ। ਤੁਹਾਡੀ 500 ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਜਿਹਾ 100 ਫੀਸਦ ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੈ ਹਾਰਡ 500 ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਤਾਰ ਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सिटी वाला चक्कर बच गया लीजिए गाइस, हमें सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ी तो यहीं से हमने परचेज कर लिया, मुनासिब रेट थे इनके। तो अभी हमने परचेज किया एमजी कंप्यूटर वाले से, ये रही आपके सामने। इसकी लोकेशन ये है कि ये जो राह वाली में मेन ट्रेन का स्टेशन है उसके बिल्कुल पास है, बिल्कुल उसके सामने। तो ये रही सामने पटरियाँ हैं रेलवे की, तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है ये एमजी कंप्यूटर वाला, ये रहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी डिटेल हम घर पे जाके तो उस पर डिस्कस करेंगे, इसका रेट भी बता दूंगा और साथ में इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह।